देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजधानी जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिंदायका इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 15 क्विंटल संदिग्ध अरहर दाल को सीज किया गया है और मिलावट के लिए लाया गया घिया पत्थर भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि टीम ने 9 कट्टों में बंद 450 किलो घिया पत्थर भी मौके से जब्त किया है और इस घिया पत्थर को दाल को चमकाने और मिलावट करने के काम में लिया जाता था। फूड इंस्पेक्टर सुशील कुमार चोटवानी के नेतृत्व में छापा मारा गया है। मौके पर घिया पत्थर यहां पर बरामद किया गया है। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। CMHO के निर्देश पर टीम ने छापा मारा है। बिंदायका स्थित एक फैक्ट्री में यहां मिलावट का खेल चल रहा था जिसका भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि राजधानी के बिंदायका इलाके में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं फूड इंस्पेक्टर सुशील कुमार चोटवानी। चोटवानी जी, क्या यह पूरी कार्रवाई है, जानना चाहेंगे। चोटवानी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल आशीष जी, आवाज आ रही है आपकी। जी, कार्रवाई के बारे में जानना चाहेंगे, क्या ये कार्रवाई रही है, मिलावट का खेल किस प्रकार से यहाँ चलता था? बिल्कुल आशीष जी, अभी जो हमारी ये कड़ी चल रही है दाल फैक्ट्रियों पर कार्रवाई में जी, तो कुछ सूचना आई थी कि सिर्फ न केवल ये रंग बल्कि इस तरह की चीजें जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है खाते हैं, जैसे आपने आज देखा घिया पत्थर का जो पाउडर आता है जी, जिससे हमारे जो सौंदर्य प्रसादन के रूप में टैलकल पाउडर तैयार किया जाता है, जिससे जी उसकी मिलावट करके ये घटिया अरहर की दाल को चमकाकर और ऊंचे भावों पर बेचने के लिए तैयार कर रहे थे। और मौके पर हमने इस टैलकम पाउडर जैसे पदार्थ का जो पाउडर मिला है जी, इसके 450 किलो पाउडर हमने जब्त किया है जी। चोटवानी जी, अब तक जो कार्रवाइयां देखने को मिल रही थी उन कार्रवाइयों में इडेबल सामग्री का मिलावट की जा रही थी, लेकिन आज जो कार्रवाई आपने की है उसमें नॉन इडेबल जो सामग्री है वो बरामद आपने की है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही घातक है क्योंकि ये जो पाउडर है वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में जाकर के जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है किडनी में, हाथों में जी, और उससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं और वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है ये। और आगे भी हम और जहां जहां जांच करेंगे कि इस तरह की चीजें काम में तो नहीं ली जा रही है। जानना चाहेंगे कि ये जो फैक्ट्री है जहां पर मिलावट का गोरखधंधा किया जा रहा था, कहां कहां यहां से माल सप्लाई किया जा रहा था और कितनी समय से ये फैक्ट्री काम कर रही है? ये जो महादेव कृष्णा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है ये काफी पुरानी फर्म है जी, महादेव दाल फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है और इनकी चांदपोल में छोटी चौपड़ पे इनकी होलसेल फर्में भी हैं और इससे पूरे राजस्थान में ये लोग दाल सप्लाई करते हैं जी। और इसके अलावा इनकी एक और फैक्ट्री है जहाँ पर भी ये मूंग दाल का निर्माण करते हैं और इस दाल का निर्माण कर रहे थे जी। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कार्रवाई आपने की है, नॉन एडेबल सामग्री आपने पकड़ी है, तो जो इडेबल सामग्री के साथ मिलावट की कारगुजारी आप पकड़ते हैं और ये नॉन इडेबल सामग्री आपने पकड़ी है, इन दोनों में कोई धाराओं का अंतर रहता है क्या, और जो सजा होती है उसमें भी कोई अलग अंतर रहता है क्या? हाँ बिल्कुल, नॉन एडिबल पदार्थ अगर जांच रिपोर्ट में पाया जाता है तो वो अनसेफ कैटेगरी में उसकी रिपोर्ट आती है, यानी इंजूरियस टू हेल्थ जी, और इसमें जो सजा के प्रावधान है काफी कड़े हैं जी। और जो खाद्य सामग्री का अगर उसमें मिलावट की जाती है एडिबल आइटम्स की, तो वो इतना गंभीर अपराध नहीं होता है जितना कि आज ये जो घिया पत्थर पाउडर मिला करके किया जा रहा है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फूड इंस्पेक्टर सुशील कुमार चोटवानी, जिन्होंने बताया किस प्रकार से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।